आज की क्लास में चैप्टर टू यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजी है सबको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें से फर्स्ट टर्म है आपके पास आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ पे सुन के क्या फील होता है, या बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे डिवाइसेस क्यों लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में क्या है, प्लांट की एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। किस चीज की कैपेबिलिटी है सो देखिए, अगर मैं एक रफ पेज ले रही हूँ, अगर हम लोग एक प्लांट देखते हैं, ठीक है, किसी भी एक प्लांट को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें खासियत क्या है कि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन ना करे। जब भी उसको करना हो तो वो क्या करे, क्रॉस पॉलिनेशन करे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन का वो जो प्लांट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट बना दिया, ठीक है, ये क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, ऐसे नॉर्मल सा बना दिया मैंने, ठीक है। एक यहाँ है और ऐसा ही एक फ्लावरिंग प्लांट और है, इसी तरीके से एक और क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए तो यहाँ पे ये आपको दो फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहे हैं। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो एक केस तो ऐसा हो सकता है ना कि इसके ऊपर जो क्या प्रेजेंट है, एंथर फिलामेंट है। अब इसके ऊपर भी एंथर फिलामेंट होगा, एंथर फिलामेंट, यहां भी एंथर फिलामेंट, देन इसके पास क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसके पास भी होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। यहां भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके, ऐसा भी हो सकता है। देन एक और केस कौन सा आपको देखने को मिलता है कि अगर मैं इसको प्लांट ए बोलती हूँ, इसको क्या बोलती हूँ मैं, प्लांट ए, और अगर मैं इसको बोलती हूँ प्लांट बी, ठीक है। एक केस तो ऐसा है कि ए प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और ए प्लांट के ही स्टिग्मा पे लैंड कर गए, तो ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो गया, ये सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अगर प्लांट ए से ये जो पॉलन ग्रेन्स निकले, ये जो पॉलन ग्रेन यहां से कोई भी एजेंट हो सकता है, ये गया कहाँ, प्लांट बी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्लांट्स एक ऐसी तैयारी करते हैं, ऐसी प्रिपरेशन करके खुद ही तैयार करते हैं अपने आप को कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करें। ये बचना चाहते हैं किस चीज से, सेल्फ पॉलिनेशन से, इसको ये डिस्करेज करें और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करें। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, इसको डिस्करेज करके इसको क्या मिलेगा और इसको इनकरेज करके इसको क्या मिलेगा। जैसे ही ये पॉइंट या ये क्वेश्चन राइज होता है, वहां पे बच्चों को याद करना चाहिए चैप्टर 5 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपने साफ साफ एक बात देखी थी, जब मेंडल का जिक्र आया था, किनका, मेंडल साहब का जब जिक्र आया था, इन्होंने साफ सीधी से एक बात बोली थी कि ये प्योर लाइंस में लगातार क्रॉसिंग करा करा के जब हम क्या बोल रहे थे, प्योर लाइंस बोल रहे थे, प्योर लाइंस का मतलब ही है सेल्फ पॉलिनेशन कराते 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 उसको क्या बनाना है, प्योर लाइंस बनाना है। तो उसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ये सेम टर्म आपको चैप्टर 9 दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर मैं इसको बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊं, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या समझते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या कि अगर एक प्लांट है, अगर ये प्लांट जो मैंने यहाँ पे बनाया, अगर आप लगातार
किसी को बोल रहा है भाई तुम सेल्फ पॉलिनेशन करो, तुम सेल्फ पॉलिनेशन करो, तुम सेल्फ पॉलिनेशन करो, तो इसके आगे के जेनरेशन के जितने भी प्लांट्स बनेंगे, मतलब ऐसे ही जो और पौधे बनेंगे, उन सब की फिटनेस कम हो जाएगी। तो इन ब्रीडिंग, आप क्या टर्म टर्म क्या यूज कर रहे हैं आप, ये जो इसका ऑफस्प्रिंग जो भी बनेगा आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में, वो सब क्या होंगे, वीकर 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 होते चले जाएंगे, मतलब सब और कमजोर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसको एमसीक्यू बना दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ इनब्रीडिंग या फिर डिमेरिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे। इट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से करके आपको किसको मार्क करना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। ठीक है, और जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट्स की वो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू ये करते क्या है, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, ये डिस्करेज करते हैं। ठीक है, और एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप बिल्कुल, बिकॉज कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि अगर आप लगातार 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 सेल्फ पॉलिनेशन कराते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ये तो मानी हुई बात है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट्स खुद ही अपने अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस तैयार करते हैं, जिससे वो डिवाइस क्या है, मैं वो भी बताने जा रही हूँ अभी आपको आगे। ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा, जिससे वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनहेंस करने का काम करते हैं, मतलब उसको वो इनकरेज करने का काम करते हैं। ये बेनिफिट है किसका, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो जो प्लांट्स की आगे की सक्सेसिव जनरेशन जो है, सब में वीकनेस आती चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम लोग पपाया प्लांट को देखते हैं, किसको देखते हैं, पपाया प्लांट को, एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे लिखूं पपाया, तो आपको चैप्टर वन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू याद होगा, अगर नहीं याद हो तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। इसकी खासियत क्या है कि मेल प्लांट, मेल फ्लावर्स दूसरी बॉडी पे बनते हैं, मतलब दूसरे प्लांट पे बनते हैं, और फीमेल फ्लावर्स जो है वो दूसरे प्लांट पे बनते हैं। ठीक, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता सेल्फ पॉलिनेशन का। तो पहला डिवाइस जो ये तैयार करके रखते हैं, उसमें हमें यही सीखना है कि एक डिवाइस क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी और डायोशिज्म। इसका क्या मतलब है, प्लांट इधर बियर्स मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स, आसान है बस इतना ही है। मतलब प्लांट अपने आप को इस तरीके से तैयार करके रखते हैं कि ये बोलेगा कि मैं मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक ही सेक्स ऑर्गन जो है, या एक ही तरह का गैमेट जो है, वो मैं बनाने का काम करूंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअलिटी और डायोशिज्म। ठीक है, समझ आया आपको, आपकी किताब में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे। ये यूनिसेक्सुअलिटी तो है लिखा हुआ, बट इस तरीके से आपको नहीं दिया गया है अलग करके टर्म उसमें, तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आसान है, समझने सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप भी इजली इसको ग्रेस्प कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोगों के पास है डाइकोगैमी। क्या है डाइकोगैमी, अब अगर हम इस फ्लावरिंग प्लांट को देखें, एक फ्लावरिंग प्लांट को जब हम देखना स्टार्ट करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, यहाँ पे इन केसेस में जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर जो मेल और फीमेल गैमेट इसमें बना हुआ है, ये प्लांट सेम बॉडी पे कैरी करने के बावजूद भी अगर फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाए, मतलब ये पहले मैच्योर हो जाए लेकिन ये मैच्योर ना हो, तब भी इसका, इसकी डाल नहीं गलेगी, तब भी इसका काम नहीं चलेगा। अब हम उल्टा केस देखते हैं, ये मेल गैमेट मैच्योर हो जाए बट ये मैच्योर ना हो, तब भी काम नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग टर्म क्या देते हैं, इसको हम लोग डाइकोगैमी बोलते हैं। अब ये दो तरह का, ये भी बहुत ईजी है।
आप देखिए, जिस भी चीज के पहले एंड्रो, एंड्रस, एंड्रोजन ऐसे लगा होता है, वो मेल से रिलेटेड होता है, और जहां पे गाइनी लिखा होता है, मतलब गाइनी टर्म जो है ये फीमेल को रेफर करता है, ठीक है। तो डाइकोगैमी को हम लोग बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डाइकोगैमी में प्रोटेंड्री का क्या मतलब है कि यहाँ पे एंड्रोशियम पहले मेच्योर हो जाता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये पहले मेच्योर हो जाएगा, फीमेल नहीं तब तक मेच्योर होती, तो कोई काम भी नहीं बनेगा इसका, है ना। इसको प्रोटेंड्री बोला जाता है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट या मार्क द केस ड्यूरिंग विच एंड्रोशियम मेच्योर फर्स्ट, ठीक है। आपको लिखा जाएगा डाइकोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगैनी, ठीक है। डाइकोगैमी भी सही है, लेकिन जब कभी भी कहीं एमसीक्यू दिया जाता है, उसका साफ सीधा पूछने का मतलब होता है कि मुझे आपको मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। तो एंड्रोशियम जब पहले मेच्योर होगा तो उसको हम लोग टर्म देते हैं प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? प्रोटेंड्री बोलते हैं। और इसका उल्टा, जब गायनोशियम पहले मेच्योर होगी तो इस कंडीशन को हम लोग प्रोटोगाइनी, प्रोटो मीन्स क्या होता है? पहले, प्रोटो 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 है ना, तो प्रोटो मीन्स होता है पहले, अर्लियर, है ना। प्रोटोगाइनी मतलब गायनोशियम मेच्योर फर्स्ट। अगर इस टर्म को ध्यान से देखें ना, तो ये तो खुद ही अपनी मीनिंग बता रहा है ना आपको। प्रोटो ये खुद ही बोल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है, प्रोटो पहले, गाइनी यानी कि गायनोशियम जो है पहले यहाँ पे मेच्योर हो रही है। बस सिंपल सा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैरियर वाली कंडीशन देखते हैं। बैरियर वाली कंडीशन का क्या मतलब है? जिसको हम लोग हार्कोगैमी बोलते हैं। यहाँ पे ना फिजिकली, अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एक यहाँ पे ऐसा प्लांट बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक फ्लावर बनाया, एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर मैंने यहाँ बना दिया। अब ये ऐसी कंडीशन है जहाँ यहाँ पे ये फीमेल गेमेट स्टिग्मा है और यहाँ पे मैंने एंथर फिलामेंट बना दिया, नहीं उल्टा बना दिया मैंने, ऐसा नहीं, ऐसे में तो हो ही जाएगा, ये एयर करंट के थ्रू यहाँ जाएगा तो इसके ऊपर लैंड कर जाएगा। इसका उल्टा कंडीशन। उल्टा कंडीशन का मतलब अगर मैं क्या करूं, हाँ इसको मैं उल्टा केस कर देती हूँ, ऊपर ही मैंने बना दिया यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइलो ओवरी, और यहां मैंने बना दिया एंथर फिलामेंट, यहां मैंने क्या बना दिया? एंथर फिलामेंट। अब भाई एंथर है ये, उड़ के उल्टा तो ऊपर जाएगा नहीं, है ना। तो अ कंडीशन वेयर देयर इज अ नेचुरल फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर फ्रॉम एंटरिंग द ओवरी, यहाँ पे ये एंटर होने से रोकता है। अगर ये एक ही प्लांट में दो फ्लावर है तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। एक दूसरा भी कंडीशन हो सकता है कि इसी प्लांट में यहाँ पे एंथर फिलामेंट प्रेजेंट है, बट इसका स्टिग्मा का जो लेवल है वो काफी ऊपर है। तो अगर स्टिग्मा का लेवल नीचे होता तब तो ये जैसे यहाँ से डिस्टेंस होगा तो फटाफट इसी के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, लेकिन नहीं, इसने पूरी तैयारी करके रखी हुई है कि क्या होना है यहाँ पे, किसी भी कीमत पे इसको सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देना है। तो जब बैरियर मेथड आएगा उसको हम लोग टर्म देते हैं हार्कोगैमी, और डाइकोगैमी किसको बोलेंगे? डाइकोगैमी उसको बोलेंगे, ये जो भी मैंने पिछला केस आपको बताया है, डाइकोगैमी हम तब बोलेंगे जब मैचुरेशन पीरियड डिफर करेगा। समझेंगे फर्क दोनों में? बच्चों को मैं साफ सीधा से क्वेश्चन देती हूँ, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे, वन क्वेश्चन पूछो बच्चे से, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोगैमी एंड हार्कोगैमी। डाइकोगैमी में क्या है, यहाँ पे मैचुरेशन में, मैचुरेशन की जो टाइमिंग है उसमें डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल गेमेट जो है उनकी पोजिशनिंग में डिफरेंस है ना। पॉलन एक अगला टॉपिक है आपके पास, टॉपिक तो नहीं बोल सकते, छोटा सा टर्म है, दैट इज पॉलन प्रीपोटेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप सेम फ्लावर को देख रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, सेम फ्लावर को देख रहे हैं, यहाँ पे है कोई फ्लावर, अब इसमें क्या है, इन दिस मैकेनिज्म द पॉलन ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट्स फास्टर देन ऑफ द सेम फ्लावर, दस प्रिवेंटिंग ऑटोगेमी। यहाँ पे क्या होगा, जो ये फ्लावर है, ठीक है, अब इसका पॉलन ग्रेन जो है अगर ये डिले कर रहा है तो डिफरेंट फ्लावर जो है वो क्या करेगा, वो फास्टर जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने का, रोकने का काम करता है, जिसको हम लोग पॉलन प्रीपोटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन प्रीपोटेंसी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? अब
और भी छोटे, मतलब इन सबसे भी छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपको, एपोमिक्सिस है, पार्थेनोकार्पी है, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, है ना। चलिए, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस वगैरह तो मैंने बता ही दिया था आपको। देन है आपके पास अगर पहले पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स देख लेते हैं, काफी पार्थेनोकार्पिक फेनोमेना हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो कार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पहले इसको समझिए ये है क्या। दो वर्ड्स है आपके पास, एक है पार्थेनो कार्पी जो यही यहां पे लिखा हुआ है, पार्थेनो कार्पी, ठीक है। और दूसरा टर्म है आपके पास पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, समझना है बहुत ध्यान। कार्पी लगा है ना, कार्प 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 वर्ड जहां भी आएगा मतलब फ्रूट होता है, फ्रूट से रिलेटेड टर्म क्या है, कार्प। बच्चे कहते हैं मैम हम उल्टा लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, पार्थेनोकार्पी में हम ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का लिख के आ गए और हमने इधर वाले में मतलब उल्टा लिख दिया, तो हमेशा इस कार्पी को देख के याद रखना है। तो डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, एंड दैट प्रोड्यूस्ड फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोजेनेसिस पे आते हैं, जैसे मैंने आपको जब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कराया था उसमें मैंने आपको सिखाया था, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आपने सीखा था, मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी बताया था, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि कैसे मेल हनी बी जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, याद आया आपको, है ना। तो जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है एनिमल वर्ल्ड का, एनिमल किंगडम का कोई मेंबर है, तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। साफ सीधा आप भी खुद भी टाइप करके देखेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है। पूछते हैं किसी से, एक जवाब आएगा, आपको बोला जाएगा नहीं दोनों तो सेम ही है, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। आप खुद भी टाइप करके सर्च करके इसको देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, साफ साफ आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी किताब में टर्म क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब है कि जब आप किसी फ्रूट को कैसे देखते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हुए, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। चलिए समझ आ गया होगा, आसान आसान से टर्म है, एक बार बोल दो तो बच्चा समझ जाता है ना। पार्थेनोकार्पी क्या है? अ फ्यू स्पीशीज, अ फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट डेवलप, इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फेनोमेना इज नोन एज, नोन एज पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो कार्पी
एड सच फ्रूट्स, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज, कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स ठीक है, ये हो गया। अब एक और टर्म है आपके पास, अपोमिक्सिस। अगला टर्म क्या है आपके पास? अपोमिक्सिस। नेक्स्ट टर्म लिखिए, कंफ्यूजिंग है ये सारे, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत हार्ड नहीं है। अपोमिक्सिस अपोमिक्सिस का मतलब है कि अब यहां पे हम सीड्स को बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूं, इसमें लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसमें हम क्या करते हैं, मतलब हॉर्मोन, हॉर्मोन्स का डोज दिया जाता है जिसकी वजह से सारा फेनोमेना पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। एपोमिक्सिस में लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बस हो गया, यही है एपोमिक्सिस। विदाउट कंफ्यूजन को दूर करके रखना है, पार्थेनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट, एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। इस तरीके से याद रखेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एक लास्ट टर्म है दैट इज पॉली एम्ब्रियन। ये आपने लेमन देखा होगा, नींबू, उसको जब निचोड़ते हैं तो बहुत सारे सीड्स निकलते हैं उसमें, है ना। तो कुछ नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। हो गया, बस ये तो टर्म बेचारा खुद ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, वन एम्ब्रियो इन अ सीड, इन अ सीड इज रेफर्ड एज, इज रेफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, हो गया, बस चैप्टर फिनिश। काफी डिटेल में मैंने आपको करा दिया है, जो छोटी 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 टर्मिनोलॉजी थी। कुछ रिमेनिंग जो टॉपिक्स तो नहीं बोल सकते, मतलब इससे भी छोटे टर्म है ना, जैसे ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स आपने सुना होगा। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, तो ऐसे समझिए, आपने ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, याद है आपको, है ना। इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में गॉड ने फ्रूट बनाने का कॉपीराइट दिया है ओवरी को। किसको दिया है? ओवरी को दिया है, ठीक है। अगर ये ओवरी पार्टिसिपेट करेगा फ्रूट डेवलपमेंट में, किसमें? फ्रूट डेवलपमेंट में, तो इसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट बोलेंगे, साफ सीधी सी बात है। लेकिन अगर अदर देन द ओवरी कोई एडिबल पार्ट आपको नजर आ रहा है या खाने को मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे रिसेप्टिकल और थैलेमस है ना, ये एप्पल में खाया जाता है, आप जो एप्पल खाते हैं ना, तो एप्पल में आप क्या खाते हैं, जो एडिबल पार्ट है दैट इज थैलेमस। क्या खाते हैं आप एप्पल में? थैलेमस, ठीक है। तो
मैं ऑप्शंस तो नहीं लिखूंगी, विदाउट ऑप्शंस जो है मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखिए। ऑप्शन मैं तब दूंगी जब रिक्वायरमेंट होगी, तो बाकी तो आप बिना ऑप्शंस के कर सकते हैं जितने डिटेल में मैंने आपको कराया है। चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, फटाफट नोटबुक में नोट करते जाइएगा, थोड़ी स्पीड भी बढ़ा लेंगे। ये हो गया, इस पेज का भी ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ती हूँ, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, मतलब कल भी कराऊंगी। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको बिना ऑप्शन किया भी नहीं जा सकता, उसमें मैं लिख दे रही हूँ, है ना, उसमें लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है आपसे बोथ। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूं, बोथ कैस्मोगेमस, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टो गेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन अब यहां पे ऑप्शन देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे फोर ऑप्शंस दे दूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया रोज, फ्लावर्स देन मैं यहाँ पे लिख दूँ पोमेलिना, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि इसमें से हेलियंथस या कुछ टर्म्स हैं जो हमारे सुने हुए नहीं है, ठीक है, तो हमेशा आपको आपने क्या पढ़ाई करी है उस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। आपको मैंने सिखाया है, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, आपको मैंने सिखाया है ऑक्सेलिस, वियोला एंड कोमेलिना, एंड कोमेलिना, ठीक है। आपने क्या सीखा है कि इनके अंदर दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, कैस्मोगेमस मतलब जो नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन कंडीशन में ऊपर प्रेजेंट है, और दूसरा सॉइल के नीचे जो दबा हुआ था, जो बेचारा मजबूर था क्या करने पे, सिर्फ 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 ऑटोगेमी करने के लिए, वो किस क्लिस्टोगेमस फ्लावर था। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या निकल के सामने आएगा आपके पास, आंसर इज सी, दैट इज कॉमेलिना, दैट इज कॉमेलिना। चलिए हो गया, ये आगे बढ़ती हूँ, नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, साथ साथ हाथ चलाएंगे मेरे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन, आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स, डायोशियस सिखाया मैंने आपको इसके लिए,
उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं, डायोशियस प्लांट हुआ ये, टू एंश्योर या तो क्रॉस पॉलिनेशन लिखिए, मतलब या तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है आपके क्वेश्चन में, या क्रॉस पॉलिनेशन इसको लिखने का मन नहीं है, ये चेक करना चाहता है कि बच्चे को पता है या नहीं पता है, तो इसकी जगह पे जीनोगेमी भी लिखा हो सकता है, जीनोगेमी इन, जीनोगेमी इन, ठीक है। ऑप्शंस देखिए फटाफट, अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है, अगर आप ध्यान देंगे तो, जैसे मैंने यहाँ पे मेज लिख दिया, ठीक है, बॉटल गॉर्ड, बॉटल, ठीक है, देन पपाया, हैंग कर दीजिए फिर से, पपाया लिख लीजिए और डी ऑप्शन में लिखिए ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा आंसर। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, पपाया का एग्जाम्पल दिया था जो मैं पढ़ा रही थी आपको, कि पपाया में मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब, और एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रही थी तो वहां पे उसमें आपने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कि पपाया के सारे प्लांट्स में आपको फ्रूट्स लगे हुए क्यों नहीं दिखते। भाई फ्रूट्स तो फीमेल प्लांट पर ही लगेंगे ना, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे पपाया, ठीक है, और देन है आपके पास ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, आंसर क्या हो जाएगा पता ही आपको, पपाया, आंसर इज पपाया हो गया। ऐसे होंगे, बस आपको कंफ्यूज किया जाए। फिर से बोलिए, आधे आवाज नहीं आ रही, मतलब थोड़ी ना, मतलब ये क्लियर नहीं आ रही। मैम, बॉटल बोर्ड में कौन सी पॉलिनेशन होती है? देखिए ये जो है ना मेज है, मेज का तो नाम है किस चीज के लिए, अनीमोफिली के लिए, किस चीज के लिए, अनीमो, मेज जो है ये जाना जाता है, इसमें स्पेशली पढ़ाया जाता है, जब कभी भी आपको दिखे ऐसा ना, जैसे मेज है, इसके फ्लावर्स कैसे दिखते हैं आपको, इसके फ्लावर्स आपको दिखेंगे कि व्हाइट डल कलर के, तो जब कभी भी कोई ऐसी चीज आपको दिखे कि वो डल कलर का है, व्हाइट है, उसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या होगा, अनीमोफिली होगा, उसमें क्या होगा, अनीमोफिली होगा, ठीक है। अब हम लोग बॉटल गॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है, अब ये क्या है, ये बहुत स्पेशल है अपने आप में, बॉटल गॉर्ड जो है, अगर मैं इसको दिखाऊं भी आपको, मतलब अट्रैक्टिव भी है, ठीक है, सारी चीजें सही है, ठीक है, ये नाइट ब्लूमिंग है, ये क्या है, नाइट ब्लूमिंग है, ये नाइट ब्लूमिंग होने की वजह से, किसकी वजह से, नाइट ब्लूमिंग होने की वजह से, अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हुए जो कैसे होते, नॉक्चर्नल होंगे, वो भी क्या करें, क्योंकि फ्लावर्स इसके होते अट्रैक्टिव हैं, है ना, भले नाइट ब्लूमिंग हो तो एंटोमोफिली भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, और कोई दिक्कत, और इसका तो नाम है, मेज का तो नाम है अनीमोफिली के लिए और इसका एंटोमोफिली, आगे चले, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ओपनिंग, विच ओपनिंग, विच ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स, क्या होगा आंसर, जल्दी बोलिए फटाफट, एक ही आंसर इसका हो सकता है, चाहे मैं कितने भी ऑप्शंस लिख दूं आपको, आंसर इज वन एंड ओनली माइक्रोपाइल, ऑप्शन में क्यों लिख रही हूँ, आंसर इज माइक्रोपाइल, इसको छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, मैं याद दिला दूं आपको, जब आप ये ओव्यूल देख रहे थे तो यहाँ पे ये जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर था दैट इज माइक्रोपाइल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ टर्म फॉर, गिव अ टर्म फॉर अकरेंस
ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। अभी जस्ट बताया मैंने पॉली एम्ब्रियो, नहीं काफी इजी हो गया ये, नहीं सीड। चलिए कोई ठिकाना नहीं ऐसे तो। एक बच्चों की सिर्फ इंग्लिश के पेपर में कंप्लेन है, हालांकि वो पढ़ते भी नहीं इंग्लिश, इसलिए कंप्लेन है उनको पेपर अच्छा नहीं लगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बच्चे खुश ही हैं कि पेपर बहुत इजी आ रहा है। इजी इसलिए लग रहा है पढ़ाई करी होगी, प्लस लिखना नहीं पड़ रहा है और नेगेटिव वगैरह नहीं है तो इजी लगेगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोन, पॉली एम्ब्रियोन। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे क्या लिखूं मैं, नेक्स्ट पेज ही दे देती हूँ। चलो हो गया ये, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। अगर हाथ चल रहा है मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छी बात, नहीं चल रहा तो लेते चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, हाउ मेनी माइक्रो स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ लोब ऑफ एन एंथर, लोब ऑफ एन एंथर। अब गुमराह करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आपको लिखा रहेगा 2, 4, 6, 8। क्या होगा आंसर जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा खुशी होती है ना कि पेपर बहुत इजी लग रहा है देखने में, वो क्या करते हैं 4 में टिक करके आते हैं। मैं ये भी बता देती हूँ, क्वेश्चन क्योंकि ध्यान से नहीं देखते हो, पूछा क्या जा रहा है। अगर मैं रफ में एक डायग्राम बनाऊं, पूछा जा रहा है आपसे हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ लोब ऑफ एंथर। लोब तो दो ही होते हैं ना, तो एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आंसर इसका 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका 2 होगा बच्चे। जबकि इसमें 4 में मैंने देखा है 90% बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो हमें पता ही है एंथर, सिर्फ उनको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखता है एंथर दिखता है, लोब देखना भूल जाते हैं। तो जिसकी वजह से 4 में टिक करके आते हैं, 4 नहीं होगा 2 होगा इसका आंसर। तो ध्यान देना है एग्जाम में कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको मार्क करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कराए हैं मैंने आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स इन एन एंथर इफ द नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में मैंने MNC लिख दिया, इफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इन वन माइक्रोस्पोरेंजियम, इन वन माइक्रोस्पोरेंजियम इज 60। जल्दी बताइए आंसर इसका, ऑप्शन नहीं दे रही मैं, तभी तो पता चलेगा ना। अगर बनता है तो आंसर बताइए इसका। बन जाए तो जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए बना लिया होगा लकी आपने। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा
कि आपको पॉलिन ग्रेन्स का नंबर बताना है। आपको क्या करना है, पॉलिन ग्रेन्स का नंबर बताना है। ये मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व करके पहले भी बता रखा है। अब इधर देखिए, हमेशा बच्चों को मैं ये हिदायत देती हूँ, कुछ ना समझ आए तो रफ में इतना जरूर कर लिया कीजिए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, करना क्या है, पॉलिन ग्रेन का नंबर निकालना है। लोब में तो नहीं पूछ रहा, नहीं, किस में पूछ रहा है, पूरे अंतर में पूछ रहा है। क्या दे रहा है डेटा, क्या दे रहा है डेटा, ये दे रहा है आपको कि यहाँ पे गिवन एज एमएमसी इन वन माइक्रोस्पोरेंजियम, इन वन माइक्रोस्पोरेंजियम इज, इसमें आपको जो नंबर दिया जा रहा है डेटा है 60। फिर हैंग कर रहा है ये। इसमें आपको क्या डेटा दिया जा रहा है 60। तो इसका मतलब है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलिन ग्रेन्स का नंबर क्या क्या होगा, 16 × 4 = 240। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 16 × 4, 240, 240, ठीक है। तो कंप्लीट में कितना निकलेगा, 240 × 4, ठीक है, 960 आंसर होगा उसका। आएगा तो ये एक ही बार में 10 काम करेगा, ये लैपटॉप भी बहुत हैंग करता है। देखिए आपको डेटा कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉलिन ग्रेन, अगर मैं ऐसे कर दूं, सो पॉलिन ग्रेन्स इन वन माइक्रोस्पोरेंजियम विल बी 16 × 4, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार पॉलिन ग्रेन बनाता है। तो इसका नंबर निकला यहाँ पे 240 पॉलिन ग्रेन्स। इसका नंबर क्या निकला, 240 पॉलिन ग्रेन्स। लेकिन ये 240 पॉलिन ग्रेन्स एक में बने हैं, तो 240 इसमें भी बनेगा, 240 इसमें भी बनेगा, 240 इसमें भी बनेगा। तो क्या मतलब हुआ, 240 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। सो टोटल पॉलिन ग्रेन्स का नंबर क्या हो जाएगा, 240 × 4 = 960 पॉलिन ग्रेन्स हो गया। बस अब ये चेंज भी हो सकता है, अगर मैंने इस क्वेश्चन में चाहे तो डेटा चेंज हो जाए, चाहे अगर मैंने यही पूछ लिया होता कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इन अ लोब ऑफ एंथर, है ना, तब इसका आंसर क्या हो जाता, तब इसका आंसर 480 हो जाता। तब आप 240 को, क्योंकि एक लोब में मैं पूछती ना, तो आप 240 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 240 में एक और 240 ऐड कर दीजिए, जो करना है कीजिए। आंसर जो है इसी तरीके से इसका निकलता है, ठीक। ये भी बन गया होगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगर मैं बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन में लिखूं, मैं अगर मैं ऐसे लिखूं, मेंशन द नेम ऑफ स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल, स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल, अब क्या होगा आंसर। ऑप्शंस तो होंगे, ऑप्शन तो है ही आपके पास, मैं नहीं दे रही बस यहाँ पे। देखिए जो ओव्यूल है, जो क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल में ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है जो इसको कनेक्ट करा के रखता है ओवरी के साथ, ठीक है, इसको हम लोग फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस बोलते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, मेंशन द नेम ऑफ स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल, इसका आंसर क्या होगा, फ्यूनिकल होगा। इसका आंसर क्या होगा, फ्यूनिकल होगा। आंसर लिखिए फ्यूनिकल, आंसर क्या होगा इसका, फ्यूनिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेम द सोलेन, नेम द सोलेन बेसल पार्ट ऑफ एनी फ्लावर, अब क्या होगा,
एक ही आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर होगा थैलमस और रिसेप्टिकल और टोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ पिस्टल प्रोवाइड्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पॉलिन ग्रेन्स। तो इसके तीन ही पार्ट मैंने आपको बताए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और उभरी। आंसर इज स्टिग्मा, है ना। आंसर इज स्टिग्मा। यही है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स। नेक्स्ट लिखिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर मेरे साथ साथ लिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ओव्यूल नेम that part in which embryo sac is embedded, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक, कॉटिलेडंस, तो ये जो टिश्यू जिसमें ऐसे घिरा हुआ, ये बीच में डूबा हुआ मतलब एम्बेडेड होता है ना, तो ये जो था यहाँ पे ये न्यूसलस है, NUCELLUS, न्यूसलस। तो इन एन ओव्यूल नेम दैट पार्ट इन विच एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड। न्यूसलस होता है, क्या होता है ये, न्यूसलस होता है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो टिश्यू का बंच होता है, मांस होता है, उसका क्या नाम है, कैसे भी पूछा जाए, आंसर तो वही होगा, न्यूसलस इज न्यूसलस, है ना। इसका आंसर लिखिए न्यूसलस। इसका आंसर क्या होगा, न्यूसलस। डन लिखिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कहीं या किसी कोने पे आपको कोई डाउट आएगा। फिर भी अगर ऐसा फील होता है कि नहीं हमें समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको इंस्टेंटली पूछ लेंगे, क्योंकि अगर उसको बचा के रखेंगे हम, कभी बाद में पूछेंगे तो वो हैंगओवर चलता चला जाता है। ठीक है, लगे हाथ उसको पूछते चले जाएंगे मेरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। How many polar nuclei are present in an embryo sac of ovule? ये तो मैं खुद से क्वेश्चंस लिख रही हूँ। जब मतलब अगर एमसीक्यू जो सैंपल पेपर अभी बट रहा है ना इधर, मतलब बटने का मतलब है जो इंस्टीट्यूट हो या स्कूल्स की तरफ से जो टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर मैं क्वेश्चन भेजूंगी तो आपको हंसी आएगी देख के, इतने इजी इजी क्वेश्चन है वो। जैसे अभी मेरे पास एक सैंपल पेपर पड़ा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, अडॉप्शन, डिफ्यूजन, पॉलिनेशन, कोई क्वेश्चन है
वैसे मैं लिखवा ही नहीं रही यहाँ पे। अब ये है कि थोड़ा सा 2, 3, 4, 5 लिखा जाए तो बच्चा कंफ्यूज करता है, जबकि इसका नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। पोलर निकलाई कितने होंगे यहाँ पे, 2 होंगे। ये तो मैं खुद से लिखवा रही हूँ कि हाँ एटलीस्ट आप अगर इतना स्टैंडर्ड तैयार करके जाएंगे तो 0 लेवल वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही लेंगे, है ना। काफी इजी इजी है। देखिए नेक्स्ट आप लिखिए, मेंशन द नेम ऑफ, मेंशन द नेम ऑफ स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। अब क्या हो जाएगा ये, अब इसका नाम पेडिसेल हो जाएगा। अब इसका जैसे फ्लावर है, ठीक है, थैलेमस, इसका जो डंठल है स्टॉक जो है ना, इसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। आंसर इज पेडिसेल। चलिए बाकी हम लोग कल की क्लास में करते हैं। इतना तो मैंने खुद के एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम में भी नहीं लिखा है, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, तो थोड़ी अपनी तरफ से भी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो आपसे, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं कल की क्लास में।